इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्रा। जैसे कि आप जानते हैं कि जून का मंथ है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लोग गर्मी से बचने के लिए वेदर हिल स्टेशन पर जाते हैं ताकि वो गर्मी को रोक सके। लेकिन जो हमारे कोच हैं मिस्टर सुनील सैनी, मिस्टर फिटनेस परफेक्ट, उन्होंने भी कहा है कि अगर हम आज इस धूप में मेहनत करेंगे तो हमें कल इसका फल मिलेगा, क्योंकि अगर आज हम मेहनत करेंगे तो कल ही हमारा नाम होगा, हमारी अकेडमी का नाम होगा, हमारे एरिया का नाम होगा। तो इस जून के मंथ में है जो हम एज अ कैंप न्यूट्रलाइज कर रहे हैं ताकि जो हमारी प्रैक्टिस में जितनी भी कमियाँ हैं पूरा साल जो नहीं हो पाती क्योंकि वो शाम का ही टाइम कवर कर सकते हैं प्रैक्टिस में। तो जून का मंथ ऐसा मंथ है जिसमें हॉलीडेज होती हैं, सुबह से लेकर सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक प्रैक्टिस होती है, बीच में रेस्ट होता है। तो इसके लिए हमें हमारे कोच ने हमें एज अ कैंप न्यूट्रलाइज किया है, पूरा मंथ प्रैक्टिस हो रही है, आज सुबह से लेकर शाम तक जो है प्रैक्टिस हो रही है, अभी भी प्रैक्टिस ही हो रही थी। तो आज हम आपको अपनी प्रैक्टिस के बारे में बताना चाहेंगे। हमारी अकेडमी है ABC स्पोर्ट्स, ठस्का रोड पर है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, गर्ल्स क्रिकेट अकेडमी है, ऑल एज ग्रुप है। तो इस हमारी अकेडमी में आज हम चाहते हैं कि आप हमारी अकेडमी में विजिट कीजिए, देखिए कि यहाँ पर कैसे प्रैक्टिस होती है। वैसे तो पूरी सरकार लड़कियों के लिए बहुत कुछ करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये जो नारे हैं वो सिर्फ पोस्टर्स पर ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि आज तक सरकार ने लड़कियों के लिए कुछ नहीं किया है। हम भी लड़कियाँ हैं, हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, स्पेशली हमारे एरिया में। अब हमारे कोच ने हमें रास्ता दिखाया है, हम उस रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन हम उस रास्ते पर तो तभी चल पाएंगे ना जब सरकार हमें सपोर्ट करेगी, हमारे एरिया के जितने भी नेता हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे, हमें स्पॉन्सरशिप देंगे, क्योंकि हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इतना नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम सभी सरकार से विनती करते हैं कि वो हमें सपोर्ट कीजिए, हमें स्पॉन्सरशिप दीजिए ताकि हम अच्छी मेहनत कर पाएँ और अपने एरिया का नाम रोशन कर पाएँ। तो हम रोज कहते हैं कि आप हमारी एकेडमी में विजिट कीजिए, देखिए यहाँ पर कैसे प्रैक्टिस होती है। आज पेरेंट्स हमारी एकेडमी सुबह संडे फ्री था, तो काफ़ी बच्चों के जो पेरेंट्स हैं हमारी एकेडमी में प्रैक्टिस देखने के लिए आए हैं, सुबह से प्रैक्टिस देख रहे हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज हमें उन्हें उनके एक्सपीरियंस को पूछना चाहेंगे। किसको बताना, पेरेंट्स किसके हैं? तानिया के पेरेंट्स हैं, जो तानिया के पापा आए हुए हैं, तो आज हम उनका एक्सपीरियंस पूछना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे संडे कैंप को देखा है तो उन्हें कैसा फील हो रहा है और कैसी यहाँ पर प्रैक्टिस होती है। बहुत अच्छा लग रहा है, ABC स्पोर्ट्स क्लब बहुत अच्छी तरह खिलाते हैं और मैं तानिया के पेरेंट्स हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी एकेडमी में आया तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, सुबह से लेकर शाम तक बॉलिंग बैटिंग, बॉलिंग सेशन बैटिंग सेशन फील्डिंग सेशन रनिंग, तो रनिंग एक्सरसाइज ड्रिल्स फिटनेस के बारे में जो बहुत अच्छी यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो आज हमारी एकेडमी में बच्चे भी हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तानिया शर्मा, गुड इवनिंग गाइज, मैं हूँ तानिया शर्मा ABC स्पोर्ट्स अकेडमी से। जैसा कि आप लोग हर रोज़ देख रहे हैं हम लोग फेसबुक पे लाइव हो रहे हैं, अपनी वीडियोस दिखा रहे हैं कि हम लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं। आज जैसे हम लोग आपको हर रोज़ कहते हैं कि हमारी वीडियोस देखिए और यहाँ पर हमारी एकेडमी में विजिट कीजिए ताकि आप लोग देख सकें कि हम लोग कैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हमारे पेरेंट्स आए हैं, मेरे पापा आए हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने देखा है कि कैसे प्रैक्टिस हो रही है, तो मेरे पापा काफ़ी खुश हैं हमारी प्रैक्टिस को देख के। तो हम लोग चाहते हैं कि आप भी विजिट करें और आप भी अपने बच्चों को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो टैलेंट है उनको उभरने के लिए भेजें यहाँ पे ताकि वो भी कुछ करके दिखा सके। तानिया शर्मा और निशा शर्मा, यस गाइस, तो तानिया ने बहुत अच्छा बताया है कि उसको भी बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि उसके पापा संडे की वजह से फ्री होके तो प्रैक्टिस देखने के लिए आए हैं। अगर आज ये प्रैक्टिस देखने के लिए आए तो कल और भी प्रैक्टिस देखने के लिए आएंगे, मोटिवेशन होंगे हमारे कोच से, हमारी अकेडमी से। तो अब हम बात करना चाहेंगे निशा से। निशा शर्मा, हेलो गाइस, आई एम निशा शर्मा। मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी बेटियों को घर से बाहर निकालें ताकि वो भी कुछ मेहनत करें और आगे बढ़ें। मैं बस आपको यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी बेटियों को मौका दें ताकि वो मेहनत करें और अपने देश का नाम रोशन करें और अपनी फैमिली का नाम ऊंचा। निशा, आप कहाँ कहाँ पे खेल के आए हो? मैं फर्स्टली इंदौर गई थी, तेलंगाना में Super 7 क्रिकेट हुई थी, फिर दिल्ली भी हमने कैंप लगाए। और ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट स्टेट कहाँ से खेला आपने? ब्लॉक हमारा पेवा में हुआ था और डिस्ट्रिक्ट हमारा पंचकुला में हुआ था। स्टेट हुआ था पंचकुला में? स्टेट पंचकुला। डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे हुई थी आपकी? शाहबाद हुई थी डिस्ट्रिक्ट। स्कूल स्प्रिंगडेल DAV स्कूल, भूल जाते हो। तो जो निशा भी हैं जो अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर आज तक क्रिकेट खेली है,
कहाँ पर उनके जो लेवल्स अच्छे उन्होंने अचीव किए हैं, तो हम कुछ पेरेंट्स से बात करना चाहेंगे। करण के दादू यहाँ पे, करण के ग्रैंडफादर आए हुए हैं, काफी दिनों से देख रहे हैं। मिस्टर सुनील सैनी ने जो आम लोगों के मन में है कि लड़कियों को घर में दबा के रखते हैं, पर इन्होंने जैसे जो सरकार का नारा है लड़की पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, पर एक चीज़ है कि जो लोग नैरो माइंडेड हैं उनकी इस सोच को इन्होंने दूर कर दिया। हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं इतनी गर्मी में भाग के आना जाना, खुद मेहनत करनी, और जितने बच्चे हैं ये सारे इसी तरह मेहनत करते रहे तो अपनी अपनी किस्मत के मुताबिक कोई इनको आगे जरूर चमकेगा। जो सभी जो पेरेंट्स की अपील है कि अभी अपनी बेटियों को बच्चों को घर से बाहर निकाले, उन्हें प्रैक्टिस करने का मौका दे ताकि वो अपने हरियाणा का नाम रोशन कर पाए। गगनदीप के मम्मा आ रहे हैं मेरे ख्याल से। यस सर, तो अब जाते हैं गगनदीप की मम्मा के पास, वो क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे की प्रैक्टिस के। और मैं बच्चों को भी देख रही हूँ कि सर हार्ड वर्क करवा रहे हैं, बहुत अच्छा करवा रहे हैं, और मैं यही चाहती हूँ कि इनको सभी सपोर्ट करें और बच्चे आगे बढ़ें। दिन रात मेहनत करवा रहे हैं, सुबह 7 बजे से शाम। तो जो सभी पेरेंट्स है यही कहना चाहते हैं कि जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पर, अगर ऐसे प्रैक्टिस होती रहेगी तो बच्चे भी एक अच्छा लेवल अचीव कर पाएंगे। अब हम बात करना चाहेंगे अमनदीप कौर से। हेलो गाइस, आई एम अमनदीप कौर फ्रॉम ABC स्पोर्ट्स अकेडमी KKR। और वो उन्होंने जैसे जैसे हमारी वीडियोज़ देखी हमारे जो एरिया में हमारे, हम उन्होंने देखा कि एक यहाँ पे अकेडमी खुली है ABC स्पोर्ट्स अकेडमी, तो उन्होंने भी सोचा यहाँ प्रैक्टिस के लिए आ रही हैं, अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए आ रही हैं। तो मेरे भी सभी पेरेंट्स से यही अपील है कि पहली बात तो इस एरिया में कोई आसपास अकेडमी ही नहीं मिलेगी। जो हमारा एक छोटा सा एरिया है इस्माइलाबाद, यहाँ आसपास में लगभग मुझे नहीं लगता कि कोई क्रिकेट की अकेडमी है। तो जो हमारे सर हैं मिस्टर सुनील सैनी, उन्होंने एक स्टेप उठाया है कि इस छोटे से कस्बे से एक छोटा सा पौधा लगाया जाए जिससे सारे बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और धीरे धीरे करके ये पौधा और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जो आसपास के लोग हैं मैं भी उनसे ये अपील करूँगी कि आपके एरिया में एक अकेडमी है जिससे आप अपनी फिटनेस पर ध्यान दे सकते हैं। तो जो लोग जिनकी फिटनेस सही नहीं है उनके लिए खास ये स्पेशल ऑफर एज अ ऑफर है ये अकेडमी कि वो आएं इस अकेडमी को ज्वाइन करें और अपनी फिटनेस मेंटेन करें। और जैसे अभी साक्षी बता रही थी कि ये अकेडमी मेनली गर्ल्स के ऊपर फोकस करने के लिए है, तो जितनी भी इस एरिया में गर्ल्स हैं उनके लिए एक स्पेशल चांस है, बहुत बढ़िया मौका मिला है उन्हें अकेडमी ज्वाइन करने का। वैसे तो गर्ल्स के लिए कोई इतना करता नहीं, बट फिर भी हमारे कोच इन्होंने एक स्टेप उठाया है और जो हमारे यहाँ पेरेंट्स बैठे हुए हैं उन्होंने भी सर का पूरा साथ दिया है इस अकेडमी को चलाने के लिए। पेरेंट्स जैसे जैसे पेरेंट्स के दिल में भी लगा हाँ हमारी बेटियाँ कर सकती हैं, तो उन्होंने भी हमारे सर की सपोर्ट करी ताकि वो अकेडमी को चलाएं, गर्ल्स को मोटिवेट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे सारे बच्चे अकेडमी में आ रहे हैं। तो पहले जो एक पॉइंट ये भी उठता है कि जो बाहर सिटीज़ बड़ी बड़ी सिटीज़ में अकेडमीज होती हैं जैसे दिल्ली चंडीगढ़, इनकी जो फीसेज होती है वो तो बहुत ज़्यादा होती हैं, बट उनके जो टाइमिंग होती है शिफ्टिंग होती है बहुत कम, मैक्सिमम एक वीक में 3 or 4 days बहुत मुश्किल से अकेडमी होती है, बहुत कम अकेडमीज होती है जिनमें एक वीक में 3 or 4 days शिफ्ट होती है। बट जो हमारे सर हैं मिस्टर सुनील सर, वो चाहते हैं कि बच्चों का कुछ भी लॉस ना हो, वो सिर्फ अपनी अकेडमी को देख के नहीं वो बच्चों के फ्यूचर को देख के भी चल रहे हैं। उन्होंने ये जून का मंथ एज ए कैंप यूटिलाइज किया है, वो चाहते हैं कि जैसे ये सारे बच्चे अपने जून का मंथ वेस्ट ना करते हुए अकेडमी में आए, प्रैक्टिस करें और अपने जो बढ़ता हुआ फ्यूचर है उसके ऊपर ध्यान दें। तो मेरी भी सबसे अपील है प्लीज आप एक बार अकेडमी ज्वाइन करिए, एक बार इसे परख के देखिए कि यहाँ पे है क्या चीज। अमनदीप किस प्रकार की हेल्प चाहते हो आप? हम जैसे अभी बहुत दिनों से यहाँ पे लाइव हो रहे हैं फेसबुक पे, इतनी बार हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि गर्ल्स को नहीं कोई देखता, गर्ल्स के ऊपर कोई नहीं फोकस करता, बट जैसे हमारी अकेडमी एक स्टेप उठा रही है गर्ल्स के लिए, तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारे आसपास के एरिया के मेंबर्स हैं और सारे पेरेंट्स तो मदद कर ही रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि हमारा जो ग्राउंड वगैरह है हमारे मेंबर्स में जो हमारे आसपास के एरिया के मेंबर्स हैं वो हेल्प करके, जो हमारी ये पिचेस वगैरह देखिए सर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, अभी हमने एक पिच तैयार करवाई है बट आगे की 3 pitches पेंडिंग पड़ी हैं। तो हमारी जो मेंबर्स से वो रिक्वेस्ट है एक बार जस्ट एक बार विजिट करिए अकेडमी, यहाँ का हार्डवर्क देखिए और उसके बाद
प्लीज हमें हेल्प करिए हमारी पिचेस बनवाने में। और अभी जैसे थोड़ी टाइम से हमने यहाँ अकेडमी शुरू करी है तो हमारा ग्राउंड भी अभी अच्छे से लेवल नहीं है, यहाँ पे ग्रासिंग भी नहीं है अच्छे से, तो हम प्लीज स्पॉन्सरशिप दिलवाइए थोड़ी बहुत ही हमारी, अगर आप थोड़ी थोड़ी हमारी हेल्प करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत होगा। यहाँ पे जैसे अगर ग्राउंड लेवल हो जाए और यहाँ पे बढ़िया ग्रास हो और बच्चों के लिए ये और भी ज्यादा बढ़िया होगा उनकी प्रैक्टिस के लिए। अब सामान वगैरह कोई दिक्कत नहीं आपको क्या, सामान वगैरह क्रिकेट से सामान बहुत महंगा आता है? यस सर, जैसे कि अब क्रिकेट एक गेम है वो उसे स्पेशल नेम दिया गया है लग्जरी गेम। क्रिकेट इतनी एक्सपेंसिव गेम है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, फुटबॉल के बाद यही मेनली एक्सपेंसिव गेम, बहुत ज़्यादा महंगी आ रही है। तो हम जैसे हमारे सारे जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो इतने अफोर्डेबल नहीं है हमारे पेरेंट्स की वो हमें इतनी इतनी महंगी किट्स वगैरह, किट्स, बैट, ये सारी चीज़ें दिलवा सकें। तो हमारी यही अपील है, प्लीज़ हमारी हेल्प करिए इन छोटे मोटे, अगर आप कहीं विजिट करेंगे स्पोर्ट्स की शॉप पे, अगर आप एक बैट की कॉस्ट पूछेंगे तो आप हैरान मान जाएंगे कि एक बैट की कॉस्ट क्या होती है। बट हमें ये हम बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं, थोड़ा थोड़ा सेव करके, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल सेव करके तभी हमारी छोटी छोटी चीज़ें पूरी होती हैं। क्या सरकार बिल्कुल मदद नहीं कर रही आपकी? सर सरकार नारे तो बहुत चला रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये किया है हमने बेटियों के लिए, ये स्कीम्स निकाली हैं, बट अभी तक मुझे अपने एरिया में, एरिया क्या मेनली जो हमारे आसपास की कोई डिस्ट्रिक्ट है 2-3, उनमें कोई खास सुधार नहीं दिखा इस नारे का, सिर्फ ये नारा नाम का नारा रह गया है। यहाँ पे अभी तक सरकार की ये चीज की पहुँच बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल भी 0.1% भी नहीं हुई अभी तक, तो हमें इसकी तो कोई मदद नहीं मिल रही, तो हमने इससे तो उम्मीद छोड़ ही दी है। इसलिए हम रोज फेसबुक पे लाइव होके यही अपील कर रहे हैं, अगर हमारे लिए सरकार नहीं कुछ करना चाह रही, जो लोग हमें देख रहे हैं प्लीज वो ही कुछ करिए हमारे लिए, वो ही आगे किसी से अपील करिए, जो हमारे आसपास के लोग देख रहे हैं वो ही अपने जो सीनियर मेंबर्स है यहाँ के एरिया के उनसे अपील करिए। तो अभी जैसे सारे बच्चों ने, अभी हमारा सारा प्रैक्टिस इवनिंग सेशन मेनली खत्म हो चुका है, बस लास्ट के थोड़े बहुत जो ड्रिल्स वगैरह वही बची हैं, तो सबने अभी हार्ड प्रैक्टिस करी, जैसे सारों ने रनिंग करी, बॉयज एंड गर्ल्स इक्वली, ये नहीं कि गर्ल्स की कम प्रैक्टिस या बॉयज की कम प्रैक्टिस, ऐसा नहीं, बल्कि इक्वली उन्हें मोटिवेट किया गया उनकी प्रैक्टिस के लिए। तो अगर यही सोच हम बाकी के लोग भी दिमाग में लेकर चलें कि लड़के और लड़के को इक्वल समझकर उनमें बिना कोई डिफरेंस किए उन्हें आगे बढ़ने का चांस दिया जाए, तो ऐसा कोई नहीं है कि जो लड़कियों को रोक सके। तो मेरी उन लड़कियों से भी यही अपील है, प्लीज दिमाग में ये मत रखिए कि वो कुछ नहीं कर सकती, अगर वो कुछ सोचेंगी हाँ हमें कुछ करके दिखाना है, हमें अपने पेरेंट्स का नाम ऊपर करना है, तो वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं। सुकृति लोचो कुछ कहना चाहती हैं यहाँ पे? हेलो गाइस, आई एम सुकृति लोचो फ्रॉम एबीसी स्पोर्ट्स। तो जैसे कि आप जानते हैं हम यहाँ से सुबह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुबह 7 बजे से लेके शाम 8 बजे तक, तो हमारे यहाँ पे बहुत यूटिलाइज हो रहे हैं, ये जून का मंथ है, जो बाकी के मंथ्स हैं वो हमें सिर्फ शाम की प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं। तो हमारे जो सर हैं, जो हमारे कोच हैं मिस्टर सुनील सैनी, मिस्टर फिटनेस परफेक्ट, वो हमारे फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हमारे फिटनेस के लिए स्पेशल कैंप लगते हैं, उसके लिए जो स्पेशल ड्रिल्स होती हैं, रनिंग होती हैं, शूट होते हैं, तो हमारे कोच आज वो हमारी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं। सब गर्ल्स यहाँ पे आपको ज़्यादातर फिट ही मिलेंगी, क्योंकि एक बेस्ट क्रिकेटर होने से पहले बेस्ट एथलीट होना चाहिए, एथलेटिक के लिए फिटनेस ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हमारे कोच है वो हमें स्पेशल डाइट देते हैं, स्पेशल डाइट चार्ट देते हैं कि इसे फॉलो करें हमारी फिटनेस के लिए, बिकॉज फिटनेस ही एक क्रिकेटर के लिए बहुत ज़रूरी होती है, फिटनेस ही उसे मदद करती है आगे जाने में। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी, प्लीज़ आप विजिट करिए, देखिए कि हम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितनी हार्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमारे कोच है मिस्टर फिटनेस परफेक्ट, वो हम पे कितना ध्यान दे रहे हैं, वो हमारी कितनी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हमारी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं। हम पहले कैसे थे, हमारे अंदर एनर्जी बिल्कुल नहीं थी, हम 5 मिनट तक रनिंग नहीं कर पाते थे, हमें चक्कर आते थे, वीकनेस होती थी, बट अब हमारे अंदर इतनी फिटनेस आ चुकी है कि हम 1 घंटे तक रनिंग कर सकते हैं बिना रुके, और हम ड्रिल्स कर सकते हैं पूरी धूप में, हम फुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे कोच ने हमारे अंदर इतनी फिटनेस डाल दी है कि हम कुछ अब धूप की हमें कोई असर नहीं होता। थैंक यू, थैंक यू।
सुकृति है वो बताना चाहते हैं कि जो हमारी एकेडमी में सुबह से लेकर शाम तक प्रैक्टिस हो रही है। अब जैसे कि गर्मी होती है तो कितने भी पेरेंट्स हैं वो बच्चों को ऐसे कहते हैं कि बाहर नहीं जाना, बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन जो हमारे कोच हैं वो उन्होंने हमारा जो ये हौसले को उसको टूटने नहीं दिया, बल्कि हमें खुद एक मोटिवेशन दिया है कि आज आप धूप को ना देखें, प्रैक्टिस को देखें, अपनी मेहनत को देखें, क्योंकि आज आप जितनी मेहनत करेंगे ना तो कल आपको इसी का फ़ायदा मिलेगा। हमारी एकेडमी का नाम रोशन होगा, हमारे कोच का नाम, उनके जितने भी एकेडमी में बच्चे हैं वो आगे बढ़ सकें, उनका नाम रोशन कर सकें। अब इसके लिए हमें सरकार की स्पॉन्सरशिप की, जितने भी हमारे लोग हैं हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमें स्पॉन्सरशिप कीजिए। अमनदीप कौर, जैसा कि उन्होंने होटल मन्नत ने हमें स्पॉन्सरशिप दी है, लोगों होटल मन्नत का आप लोगों देख सकते हैं, होटल मन्नत ने जो हमें स्पॉन्सरशिप दी है लेकिन कोई पैसा नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं कि अभी और हमारी अकेडमी, अगर आप पैसा नहीं दे सकते तो हमारी अकेडमी को की ग्रास है, पिच है, ये चीज़ें बनवा सकते हैं, बॉलिंग मशीन कुछ भी, अगर आप किसी भी टाइप की हेल्प कर सकते हैं, किट्स हैं, बैट हैं, तो आप इस किसी भी टाइप की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप आज हमारी हेल्प करेंगे तो कल हम आपका नाम रोशन होगा, आपका लोगो होगा हमारे ड्रेस के ऊपर, हमारे एरिया का नाम रोशन होगा, क्योंकि आज जितने भी गर्ल्स हैं वो यही सोचती हैं कि कितनी भी नई मूवीज आई हैं, दंगल है, अगर उसको देखकर हमें इतनी मोटिवेशन मिलती है, अगर हम इसी मोटिवेशन को अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा, हमारी मेहनत है, हमारी मेहनत का फल हमें मिलेगा, क्योंकि आज अगर हम जितनी मेहनत करेंगे तो हमारी मेहनत का फल नवरोज कुछ कहना चाहते हैं मेरे ख्याल से। हमारी अकेडमी में बहुत बच्चे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बॉलर हैं हमारी अकेडमी के, इनस्विंग बॉलर हैं मिस्टर नवरोज सिंह, तो वो आज अपनी प्रैक्टिस के बारे में, अपने कोच के बारे में क्या कहना चाहेंगे। हेलो गाइस, मैं नवरोज हूँ, तो मैं अभी ही स्पोर्ट्स से KKR डिस्ट्रिक्ट KKR हूँ, तो मेरे कोच मेरे को हार्डवर्क पूरा करवाते हैं, तो हमारे को भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है, तो हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा, जो कृष्ण बेदी हैं तो हमारे नहीं, आपके पापा स्पॉन्सर क्यों नहीं कर रहे हैं पहले बताओ, आपके पापा भी अच्छे जिम्मेदार हैं, तगड़े जिम्मेदार हैं, खुद स्पॉन्सरशिप क्यों नहीं करते हो। हमारे पापा अब करेंगे स्पॉन्सरशिप, क्यों नहीं करेंगे। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर कुछ बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए तो ये बात मुश्किल है, लेकिन जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो अकेडमी के लिए कुछ कर सकते हैं, हम ज़्यादा नहीं कहते लेकिन छोटी मोटी जो हेल्प है, जैसे कि बॉलिंग मशीन है, किट है, बैट है, वाइट किट है, ड्रेस है, वो हमारी अकेडमी को दे ताकि ना हमारी अकेडमी में अच्छी प्रैक्टिस हो पाए। अब हम बात करना चाहेंगे युवराज सिंह से, वो क्या कहना चाहेंगे। युवराज सिंह, हेलो गाइस, आई एम युवराज सिंह फ्रॉम ABC स्पोर्ट्स। हम सुबह से हार्ड वर्क कर रहे हैं और हमें एक अच्छी स्पॉन्सरशिप की जरूरत है। बेटा अच्छी स्पॉन्सरशिप की, आपके पापा साउथ अफ्रीका में शिफ्ट हैं सारे, ठीक है, आप क्यों नहीं कर रहे हो, आगे आओ एकेडमी की मदद करो, आप क्या कर रहे हो। तो बच्चे भी हैं वो जितना हो सके, जैसे कि मैंने कहा कि जो बच्चे अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छा बिजनेस है जिनका, वो भी हमारी एकेडमी को सपोर्ट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो बच्चे एकेडमी में है वो स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकते, क्योंकि वो जो उनके पेरेंट्स हैं वो बाकी सभी बच्चों के पेरेंट्स जैसे ही हैं, ताकि हमारी अकेडमी को स्पॉन्सरशिप कर पाएँ, हम हार्डवर्क कर पाएँ। अगर आज हम हार्डवर्क करेंगे तो हमारे एरिया का नाम रोशन होगा। आज जितने भी सुपरस्टार्स हैं हम उनको देखकर बोलते हैं कि काश हम भी उस जगह होते, लेकिन उसके लिए हमें हार्डवर्क करना होगा, ना ही धूप को देखकर। आज सुबह से इतनी धूप थी लेकिन फिर भी किसी बच्चे ने हार नहीं मानी है, सुबह से प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। अब नवरोज सिंह दोबारा से कुछ कहना चाहते हैं। जो हमारे इलाके के शाहबाद के तो जो कृष्ण वेदी हैं वो हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं, उनके पास हम बहुत बार गए हैं, 3-4 बार, वो हमारी सुन नहीं रहे हैं, तो उनको ये कहना, वो हमारे को स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहे हैं, तो वो मदद करें हमारी। कितनी बार गए हो आप 4 साल में उनके पास, 4.5 साल में? बहुत बार जा चुके हैं हम उनके पास, तो वो हमारी हेल्प ही नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मेरे को जवाब चाहिए। वेरी गुड, आपको जवाब जरूर मिलेगा बेटा, कोई बात नहीं। तो नवरोज यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने अपने एरिया की सरकार को चुना है, अगर वो जनता के वोट से ऊपर उठे हैं, तो अगर हम उनके पास जा रहे हैं, हमें ये जवाब मिल रहा है कि हम बिजी हैं, वो किस काम में बिजी हैं, उन्हें जनता के लिए बनाया गया ना, तो वो जनता के लिए काम क्यों नहीं कर रहे। हमारी
अभी जो यहाँ पे सारे हमारे मेरे भाई और बहन है ये वो यही पूछना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स ने मिलकर उन्हें खड़ा किया है तो हमारे हमारे कुछ हमारे लिए ही किया है, हमारे लिए कुछ करने के लिए किया है। अगर हम उनके पास किसी मदद के लिए जा रहे हैं, हमें आगे से सुनने को मिलता है कि आज तो सर बिजी हैं, आज आपकी मीटिंग नहीं हो सकती। भला क्यों नहीं मीटिंग हो सकती? अगर हमने उन्हें खड़ा किया है तो हमारे कामों के लिए खड़ा किया है। अगर उनके पास जनता के लिए टाइम नहीं है तो वो फिर किस लिए है? वो उतर जाए अपनी कुर्सी से, उन्हें कोई फायदा नहीं है ऐसी कुर्सी पर बैठने का। तो अगर वो हमारी कोई मदद कर नहीं कर सकते तो उनका कोई हक नहीं है इस ओहदे पर बैठने का। तो मेरी एक अपील है, अपील क्या, मैं खुद सरेआम कहूंगी कि उन्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। अगर हमें हमने उन्हें खड़ा किया है तो उन्हें हमारी मदद करने के लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं वो उनकी मदद करें। अगर हम कुछ ना करके दिखा रहे हो या हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना हो फिर तो हाँ उनका भी कहना बनता है कि यहाँ तो कुछ काम ही नहीं हो रहा, तो हम किस बात की स्पॉन्सरशिप। एक बार विजिट करिए और देखिए हमारी अकेडमी में क्या क्या हार्डवर्क हो रहा है और कितने टाइम से हो रहा है। बट अगर फिर भी इतना करने के बावजूद भी हमें कोई हेल्प ना मिले, हमें स्पॉन्सरशिप ना मिले, हमारा ग्राउंड ना मेंटेन हो, हमारी पिचेस ना बने, जहाँ पे हमने हार्डवर्क करना है वो जगह ही ना कम्प्लीट हो, तो उस चीज का क्या फायदा फिर? तो मेरी यही एक रिक्वेस्ट है, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इकट्ठे होकर थोड़ा थोड़ा कर हमारी हेल्प करें। तो और जो उनके एरिया के आसपास मेंबर्स हैं उन्हें भी कहें एक एकेडमी जो जिंदा हो रही है इस्माइलाबाद में उसकी हेल्प करें। वहाँ पे छोटी छोटी हेल्प से ही पूरी हो सकती है वो एकेडमी। यहाँ पे अगर ग्रासिक बढ़िया होगी तब भी एकेडमी बढ़िया हो जाएगी, इसकी रूह बदल जाएगी। हमारी एक पिच तैयार है बट इतने बच्चों के होने के बाद फिर एक पिच भी नहीं हो सकता सारा कुछ। तो हमारी दो पिच और बन रही हैं, वो अभी पेंडिंग है। किस वजह से? सिर्फ स्पॉन्सरशिप की वजह से। बाकी जितना सर ने किया है वो खुद से किया है बट स्पॉन्सरशिप की वजह से ये दोनों पिचे अटकी हुई हैं। बाकी हमारे ग्राउंड की अभी फेंसिंग भी रहती है। किस वजह से? क्योंकि हमें स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही। अगर हमें स्पॉन्सरशिप मिलेगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। अब बात आ जाती है हार्ड वर्क पर कि हम एकेडमी में अगर हम इतनी आपसे रोज स्पॉन्सरशिप की मांग कर रहे हैं तो एकेडमी में किस टाइप से हार्ड वर्क कर रहे हैं? सुबह से लेकर शाम तक हार्ड वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस चल रही है एकेडमी में, हमारे कोच हैं। वैसे तो ये होता है कि धूप में ग्राउंड में खड़े होना पागलों वाली बात होती है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि उनकी छोटी सोच है, लेकिन हमारी छोटी सोच नहीं है। अगर हम ग्राउंड में खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं? क्योंकि हमें हार्ड वर्क करना है, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ लक्ष्य है हम सबका। अगर हम आज यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं तो कल हमें इसका फल जरूर मिलेगा, क्योंकि ये नहीं है कि हम धूप में बेवजह मेहनत कर रहे हैं। हमारे कोच हैं जो मिस्टर सुनील सैनी, वो हमें यही बात सबसे पहले समझाते हैं कि लोगों की बात मत सुनिए। कि अगर वो ये कहते हैं कि आप धूप में क्यों पागल हो रहे हैं, क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वहाँ पर जाने का एक लक्ष्य है, इसलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा हमारी एकेडमी से किसी टाइप की अपील करना चाहता है तो हम उससे बात करना चाहेंगे। कोई बोलना चाहता है बेटा कुछ हमारी एकेडमी की तरफ से? आज हम जन्नत बोलना है कुछ बेटा? जैस्मिन आई है कुछ कहने के लिए यहाँ पे। नमस्कार, मैं जैस्मिन एबीसी स्पोर्ट्स एकेडमी से। तो मैं आपको स्पोर्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए जो बच्चे हैं वो मतलब किसी भी टाइप से किसी भी फील्ड में अपना योगदान देते हैं भारत के लिए। कोई स्टडी में करता है अच्छा, तो कोई स्पोर्ट्स में करता है। आजकल तो जो है नौकरियां भी नहीं मिलती, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें हम अपनी मेहनत से कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि स्पोर्ट्स में भी स्टडी में भी कर सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स का जो है हमें थोड़ा इजी रहता है कि उसमें सिर्फ हमारी मेहनत होती है। तो मतलब कि कई लोगों के बहुत ही ज़्यादा छोटी सोच है, वो सोचते हैं कि क्या करेंगे खेल के, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम स्पोर्ट्स में अपना बढ़िया नाम कमा सकते हैं। अगर हमें मतलब अपने देश के लिए कुछ करना है, अपने मतलब किसी फील्ड में पैर जमाना है, तो स्पोर्ट्स भी एक बढ़िया फील्ड है। तो मैं आप सबसे यही अपील करती हूँ कि आप ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई करें, स्पोर्ट्स भी करें और पढ़ाई भी करें। तो मतलब कि वो आपके ऊपर इंटरेस्ट, मतलब आपका इंटरेस्ट हो उसमें कि आपका मतलब क्या करना चाहते हैं। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें। धन्यवाद। तो जैस्मिन, आप जैसे कि आप सबने सुना है कि जितने भी हमारे एकेडमी के बच्चे, सबकी यही अपील है कि एक स्पॉन्सरशिप, क्योंकि अगर आप हमें ये नहीं कहते कि आप हमें पैसे से स्पॉन्सरशिप करें हमारे एकेडमी में जो ग्राउंड रेडी करा सकते हैं, तो आज का हमारी इस वीडियो का यही मकसद है कि पेरेंट्स हमारी एकेडमी में आए, जितने लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारा यूट्यूब चैनल है ABC स्पोर्ट्स KKR, उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, प्लीज सपोर्ट ABC स्पोर्ट्स। तो गाइज, जैसे कि हम एंडिंग में यही कहना चाहेंगे आप सबसे कि हमारी एकेडमी जो उभर रही है
अभी थोड़ी सी स्टार्ट हुई है, अगर आप सबकी सपोर्ट होगी, आप सबका साथ होगा, थोड़ी आपसे हेल्प मिलेगी, थोड़ी हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे जो एरिया के सीनियर मेंबर्स हैं अगर थोड़ी सी वो हेल्प करें तो एकेडमी एक दिन जाकर जरूर सक्सेसफुल होगी, और इससे आपके एरिया का आपका नाम ही ऊपर होगा कि इस्माइलाबाद में कोई एकेडमी थी एबीसी स्पोर्ट्स के नाम के, वहाँ से वो बच्चा खेला था और इसी एरिया का नाम सबसे ऊपर होगा। तो मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारा यूट्यूब चैनल एबीसी स्पोर्ट्स केकेआर उसे सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट एबीसी स्पोर्ट्स।